कृष्ण के इतने बड़े भक्त क्यों हैं आप और कब से? क्योंकि कृष्ण भगवान के हम लोग वंशज हैं और वो हम लोग के दादा हैं, तो हम लोग बचपन से ही उनका पूजा करते आ रहे हैं भगवान कृष्ण का। और मैं वृंदावन मथुरा आता जाता रहता हूँ, तो 15 साल से मैं जा रहा हूँ, 15-20 साल से, जब स्कूल टाइम में था मैं तभी से मैं जा रहा हूँ वृंदावन। और कृष्ण बन जाता हूँ मैं, कृष्ण अवतार में आ जाता हूँ। और कृष्ण तो सबके अंदर समाहित है, आपके अंदर, हमारे अंदर, जीवों के अंदर, पशुओं में, हर एक जगह कृष्ण का वास है। कभी कृष्ण जी से बात होती है आपकी? कृष्ण जी से बात होती है ना? होती है, हमारे माँ बाप से बात होती है, मैं उन्हीं को अपना भगवान मानता हूँ, तो लाइव बात होती है। क्या बात, उनसे बड़ा भगवान पृथ्वी को कौन है? माँ बाप से बड़ा कोई भगवान है? कहीं उठा के दिखा दीजिए। क्या बात। आज माता पिता का आशीर्वाद है तो मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, बिना माता पिता के आशीर्वाद से यहाँ तक कोई नहीं पहुँच सकता। सही बात। और इस जमीन से, धरातल से जुड़ा हुआ हूँ मैं। सब लोग बोलते हैं, जो लोग मिलते हैं हमसे तो लोग बोलते हैं कि डाउन टू अर्थ हैं भाई, जमीनिया नेता हैं, जमीन से जुड़े हुए, जमीन के सवालों को उठाते हैं। अपनी बात कर रहे हैं तेजस्वी की? नहीं, अपना बात बता रहा हूँ। आपने कहा था ना तीरंदाजी भगवान राम ने सिखाई है। वो तो राम जी तो सिखाई है तीरन। कैसे? अब सिखा दिया, कैसे सिखाया जाता है? अपने आप आ गया, सीखा नहीं है किसी से? नहीं, अपने आप करते करते, वो बचपन से ही, बचपन में हम और तेजस्वी जी वो रामलीला वाला करते थे, वो शो राम जी वाला। हाँ, हम राम जी बन गए, वो लक्ष्मण जी बन गए। अब वो सीन दिखाते थे, हम लोग बचपन में करते थे कि भाई आम है, अब वो आम को कैसे तोड़ना है, तो तीर चला के राम जी तोड़ते थे बचपन में। तो वो तीर बनाए बांस का, और बांस का तीर बनाए, उसका पेड़ पे निशाना साधते थे। कहाँ करते थे ये? वही अन्य मार्ग में, जब हमारे पिताजी मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो हम लोग छोटे छोटे थे, ग्राउंड भी था, हम लोग खेलते भी थे, स्विमिंग भी करते थे, घोड़सवारी भी करते थे, तीरंदाजी भी करते थे उसी घर में ही। हाँ, सब चीज़ था उसमें। उस जो 15 साल का राज था उसको आपके विरोधी कहते हैं जंगल राज था। अभी क्या है, हर एक जगह तो जंगल राज है। जो बंगाल में हुआ क्या हुआ, सरकार क्या कर रही है, तो सब जगह हो रहा है, ऐसा बात नहीं है। अभी तो और महा जंगल राज हो गया है। अभी तो हमने ट्वीट भी किया था अपने आईडी से। हाँ, कि जितना क्राइम बढ़ा है अभी नीतीश बाबू के राज में, पूरा लिस्ट है उसका हमारे पास कितना ज़्यादा। तो अब ये बताइए, महा जंगल राज है तो। वो कहते हैं जब आप उनके साथ थे तब तो सब सही था, जैसे ही आप उनसे अलग हो गए जंगल राज हो गया। हाँ, सही बात है। अलग, अच्छा अभी ऐसा क्यों हो रहा है ये बताइए, आप नीतीश जी से सवाल कीजिए कि अभी ऐसा क्यों हो रहा है। कैसे मुख्यमंत्री हैं नीतीश जी? पॉलिटी माफ दिल के, पहले मैं उनको एकदम लाइक करता था। सच्चाई बोलिए तो मैं पूजा पाठ करता हूँ, झूठ नहीं बोलूँगा, मैं यहाँ पेड़ के नीचे बैठा हूँ आम के। पहले ठीक थे मुख्यमंत्री जी, लेकिन अब एक नज़र से उतर गए हैं मेरे, क्योंकि वो यहाँ दरवाजे पे अगर आ भी जाए ना। हाँ, मैं उनको दरवाजे में एंट्री नहीं करने दूंगा मैं। 10 में से 0 नंबर, 0 बटा सन्नाटा। और जब आपके साथ थे तब 10 में से कितने नंबर? देखिए, साथ में था तो वो अलग की बात है, साथ में कोई रहता है तो वो बार बार आदमी एग्जॉस्ट हो जाएगा, पागल हो जाएगा आदमी बार बार पलटी मारना, जनता क्या सोच रही है। अच्छा, इसको लोग गाली के रूप में लेने लगे, इसको गाली के रूप में इन द सेंस इसलिए लेने लगे कि कोई भी रिक्शा चालक है, ठेला चालक है, किसी को भी हॉर्न नहीं दबाना, बोला ए हट ना यार, पलटू नाम हो गया का, पलटुआ हो गया तू, ऐसा हो गया है जो इन्होंने किया है इतने करना में, पलट के इधर चले जाना, पलट के इधर चले जाना, फिर पलट के इधर चले जाना, फिर पलट के इधर चले जाना। आदमी ठीक नहीं है क्या? देखिए, आदमी जब आदमी अंदर से ठीक ना हो, बीमार हो,
बुरे तरीके से तो आदमी यही करता है, बेचैनी रहता है लोगों के, सत्ता को बचाना है, कुर्सी से चिपके रहना है, कुर्सी को नहीं छोड़ना है, तो आदमी ऐसे ही करेगा ना।